हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल और मैं आज आप सभी लोगों के बीच एक नंबर के साथ आया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरा नया स्टूडियो जो है आज से स्टार्ट हो चुका है और टीडीपी का आज फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो आज मैं फर्स्ट एनिवर्सरी पे मैंने अपना नया स्टूडियो में फर्स्ट वीडियो लॉन्च करने का मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो दोस्तों, आज से इस चैनल पे आप सभी लोगों को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी। तो आप लोगों को वीडियो से बने रहना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ एक नई जॉब और वैकेंसी के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने लैपटॉप या मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। अब आपको गूगल में टाइप करना है UWBCL रिक्रूटमेंट 2022। तो आपको जल्दी से टाइप कर लेना है। जैसे ही टाइप करोगे रिक्रूटमेंट 22, उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे, हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। आपको क्या करना है, सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करना है। सेकंड वाले लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है। अब आप लोगों को क्या करना है, सेकंड वाला जो यहाँ पे लिंक जो दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के जो सिविल का है, इस पर आपको व्यू या डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ हमारे सामने PDF के फॉर्म में खुल चुका है। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन की तरफ से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन LTD की तरफ से निकाला गया है। तो यहाँ पे जो देख सकते हो, हम जूनियर इंजीनियर के तौर पे आपका भारी होगा और सिविल के लिए पोस्ट है वन। तो सिविल वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका, सुनहरा अवसर है। आप लोग जरूर इसमें अप्लाई करो क्योंकि इसका पेमेंट भी है बहुत अच्छे खासे हैं। तो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो इसमें 10 सीट जो है रिजर्व का है। UWS का 2 सीट है, OBC का 7 है और ST का 1 भी सीट नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आगे यहाँ पे देख सकते हो पे स्केल जो है आपका 7th पे कमीशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि आपका जो मिनिमम जो पेमेंट बनने वाला है वो 44,900 बनने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि एक सिविल इंजीनियर को ये सुनहरा ऑफर है, तो आप लोग जरूर इसमें अप्लाई करो। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो, मतलब इससे क्वालिफिकेशन जो है, आप डिप्लोमा यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो आप अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो इस जॉब के लिए। फिर आपको क्या करना है, आगे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 3 ईयर एग्जाम डिप्लोमा एग्जामिनेशन सिविल इंजीनियरिंग में जो किया है उसको कर सकता है और जरूर करो। फिर यहाँ पे एज की मैं बात करूँ तो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 18 साल से लेके और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इतना तक है। और एज रिलैक्सेशन में देख सकते हो, मतलब 5 ईयर का, मतलब जो भी कैंडिडेट अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो उन लोगों को 5 ईयर का SC और OBC के लिए 5 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। एक सर्विस मैन जो भी बिलोंग कर रहे हो मिनिमम 5 ईयर, और यहाँ पे देख सकते हो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड से जो है उनके लिए मैक्सिमम 15 साल रखा गया है। फिर आगे यहाँ पे देख सकते हो रिजर्वेशन यहाँ पे मिला हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ लेना अपना पूरा एडवर्टाइजमेंट। अब एग्जामिनेशन सेंटर जो है यहाँ पे देख सकते हो, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मेरठ, ये सब जो है सिटी आपका एग्जामिनेशन पढ़ सकता है। और फिर आगे यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे अब मैं आपको एप्लीकेशन फी के बारे में बता दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि SC का जो एप्लीकेशन फी है 826 रुपया है और GST इसमें इंक्लूड होगा। फिर अनरिजर्व कैटेगरी का मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1180 रुपया है। और फिर आपको यहाँ पे मतलब जो भी फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 12 रुपया और GST इंक्लूड है। और जो भी कैंडिडेट अगर UP से बिलोंग करते हैं कोई भी कैटेगरी हो, उनका 1180 रुपया प्लस GST लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है। और फिर ये कैरेक्टर मेरिटल ये सब आप अपना पढ़ लेना, फिजिकल फिटनेस में क्या मांगने वाला है ये सब आप अपना देख लेना। फिर हम लोग का काम का नहीं है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे डिटेल देख सकते हो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और इसका लास्ट डेट जो है 18 अप्रैल तक होगा।
और इसका जो पेमेंट कटने का समय होगा वो 25 तारीख से ही 18 तारीख वही सेम रहेगा। और फिर जो मतलब एप्लीकेशन को आप सबमिट जो है 25 से लेकर 20 तक कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है तो आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई करो। और फिर ये जो एग्ज़ाम है आपका मई के 4th वीक में यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे यूपी बोर्ड ने सारे जो तो यहाँ पे यूपी स्केल वालों ने एग्ज़ाम तक का नोटिफिकेशन दे दिया है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे एसटीडीपी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी प्रेस कर लें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप मतलब ये यूपीसीएल के द्वारा एक ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप टीडीपी चैनल के सोशल मीडिया को जाके जरूर फॉलो करो, और साथ ही साथ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे ज्वाइन है, और कोई भी इशू होगा तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। तो आज दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच।